तातीरे छटपट अधा भारत। राजस्थान ने भांगिला 5 वर्षर रेकर्ड। राजस्थान ने ताती बढ़िबार लगी। चुरू में तापमात्रा 5 वर्षर रेकर्ड भांगी। एठारे बुधवार दिन 50.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। पूर्व 2019 चुरू में 50.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। चुरू समेत अन्यान्य 7 स्थान में ताती 48 उपरे रही। राजस्थान में ताती बढ़िबा जो रास्ताघाट खाँ खाँ रही। सब व्यवसाय उपरे यार प्रभाव पड़ता बेले पर फल व्यवसाय भी मांदा होई। ताती घर कई बाहर नथिबा बेले जेतिकी ग्राहक आसुचंती तांकु चढ़ा दर में सामग्री बिक्री करुथिबा ग्राहक कहिचंती। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही सब्जियों और फलों का भाव भी बढ़ रहा है। मतलब कि लोग बाग जिस प्रकार से धूप में और गरीब बेच रहे हैं ये सब्जी वगैरह, उस प्रकार से इनका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो कोई आ रहा है उसी को महंगे भाव में बेच रहे हैं। नहीं, फर्क तो पड़ रहा है साहब। पहले तो मतलब कि जिस प्रकार से 80 रुपए का एक नारियल आता था, वो वैरायटी नहीं है जो पहले थी। जैसे मतलब कि 2 गिलास निकलते थे, अब 1 ही आ रहा है। ये वैरायटी कम हो गई। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह। 45 डिग्री पारद हठात 50 डिग्री पाखापाखि पहुंची जाइछि। असह्य ताती रे कलबल हेउछि जनजीवन। अंशुघात जो असुस्थ हो पड़ुछन्ति शिशु और वयस्क। डाक्तरखाना रोगी संख्या वृद्धि पाउछि। पाणिपाग वैज्ञानिक सूचना अनुयायी आगामी 3 दिन में आहुरी बढ़िबो ताती। अभी अगर कल का बात करें तो टेम्परेचर्स में अगर आप देखिए तो काफी हिस्सों में कल भी टेम्परेचर थोड़ा गिरावट ही देखी गई है। जो हमने कल स्पेशल प्रेस रिलीज दिया, ओवरऑल कुछ हिस्सों में जो टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट है और अभी आगे आने वाले दिनों में आज तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर्स है 47 प्लस पहुंच सकता है कुछ एक दो स्टेशन में, लेकिन ओवरऑल जो है वो रेड अलर्ट जैसी सिनेरियो नहीं है। दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे 48-49 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री 48 डिग्री। मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही, लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे। और जिसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे जो एक तो कॉन्क्रीटीकरण हो गया है और दूसरा इंडस्ट्रीज़ अभी भी कार्बन इमिशन, मुझे लगता है जिस तरीके की गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गर्मी दिल्ली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। दिल्ली और बेंगलुरु में पानी का अभाव बड़ा समस्या भावे उभा होई छी। सेहीपरी छत्तीसगढ़ बिहार और हरियाणा रे देखा देछि पानी समस्या। खरारे नदी नाला सुखी जिबा फळरे माठिया नै दूर दूरांतर चुआ उपरे निर्भर करुछन्ति लोक। बहुत ज्यादा परेशानी है। एक टैंकर आती 24 घंटे में एक टैंकर। अब एक टैंकर में पब्लिक को जितने बर्तन देगा उतने तो भरेगा ना, दूसरा टैंकर आता नहीं। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है, ठीक है ना। बहुत परेशानी है पानी का, बहुत ज्यादा है। हम लोग काफी वर्षों से हम लोग झिरिया से ही पानी पी रहे हैं और क्या बोलते हैं शासन की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिला है। दो नल है गांव में भी, तो हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ बहुत परेशानी होती है। मतलब कि नल तो है लेकिन क्या बोलते हैं बहुत गंदा पानी निकलता है, कभी काला तो कभी लाल पानी निकलता है। ये अभी संज्ञान में ये आया कि सोनवर्षा ग्राम पंचायत के अंतर्गत महादेव टोला है, वहाँ के कुछ लोग जो हैं झिरिया से पानी ले रहे थे। इस संबंध में मेरी पीएचई के अधिकारियों से बात हुई है और उनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जो परेशानी है झिरिया से पानी लेने का या पानी ना होने का, पीएचई द्वारा बिछाया गया जल प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत वो जल्दी से जल्दी वो उनको प्रदाय करेंगे, जल व्यवस्था प्रदाय करेंगे। राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और मध्य प्रदेश में भी ताती कलबल करुछी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।